तो गाइस ये है रांची का हज हाउस, अभी मैं आपको सामने चल कर दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग विद सरवा खान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें। तो गाइज आज रांची शहर के कडरू में कडरू हज हाउस के में आज जो है अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े उलमाए दीन और दिगर मजहब के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं, आए हुए हैं। और अभी इस तरह का प्रोग्राम लगभग 2 बजे तक यहाँ पे चलाई जाएगी। आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे वीडियो से बने रहें और मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें। चलिए आपको अंदर में दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस ये है रांची का हज हाउस, अभी मैं आपको सामने चल कर दिखाता हूँ हमारे शहर का जो हज हाउस है वो किस तरह से बनाई गई है। एक गेट आपका इस साइड में है, एक गेट यहाँ, एक गेट वहाँ है, 3 गेट है इसमें हज हाउस में। और ये है उसका पूरा नज़ारा। देख सकते हैं गाइस किस तरह से यहाँ पे सारे आदमियों की मन में लगा दे रहे हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं हजरत को सुनने के लिए और उन्हें देखने के लिए। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे शामिल हैं और इसी तरह का माहौल आपको बाहर में भी देखने को मिलेगा। दंगे वाली गलियों से, व्हाट्सएप से, ये टीवी स्टूडियो से होती हुई वो गली, वो गली आपको दिखाता हूँ। और आप लोग बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना, आप लोग बैठ जाइए, बाहर में बैठ जाइए ना, यहाँ जाम गेट के पास लेना लगी है। देखिए गेट कुर्सी खाली, आप भी चेयर खाली है पीछे में, आइसक्रीम भी चालू होने वाली है, बैठ जाइए। देखा सभी ने दोस्तों, अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे चलाई जा रही है हमारे इस्लामी भाइयों ने और दिगर मजहब के लोगों ने यहाँ पे आकर के शिरकत की है और अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। इसमें जैन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ पे शामिल हैं। और ये कॉन्फ्रेंस अमन अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे चलाई जा रही है, आप देख सकते हैं। गोली मार रहा है,
यहाँ हम पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँचाने वाला जो उत्तराखंड। चलिए गाइस आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि बाहर में किस तरह के से लोग बैठे हुए हैं और सभी की तकरीरें सुने जा रही है, लोग सुन रहे हैं आराम से बैठ करके। 2024 का इलेक्शन आएगा और आपको उसका जवाब देना होगा। मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बाहर के लोग यहाँ पे जैन धर्म के प्रतिनिधि जो है वो अपने बाइट दे रहे हैं यहाँ पे। संविधान के बारे में मैं संविधान को पढ़ता हूँ, मेरे पत्रकार हूँ, मेरा काम है, लेकिन काम सबका होना चाहिए। संविधान के नाम पर संविधान की धारा और तब हमारा राष्ट्रीय होगा। ये हमारे इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसेज यही है, यही संदेश सारे समाज के लोग एक नफरती तत्वों को पर्दाफाश करें, समाज से अलग अलग करें और सक्षम भारत, मजबूत भारत, भारत सोने की बनाने का। सर कैमरा में परिचय, जनेंद्र कुमार भंसे, जनेंद्र कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत। देखा सुना सभी ने दोस्तों, ये थे जैन धर्म के प्रतिनिधि जो इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हुए थे। इसके साथ बलात्कार हुआ और उसके कपड़े तार तार और वो उज्जैन की बस्तियों में दीवाना बना हमको, हुए दीवाने हम तो सबको दीवाना बना देंगे। न जाने कितने दिन बन जाएंगे दिल के टुकड़े से, ये हमारे इसी खिते के अधीन शायर थे जनाब कदी माजिद का उनके अशार है। न जाने कितने दिल बन जाएंगे दिल के टुकड़े से, वो तोड़े आईना, वो तोड़े आईना, हम आईना खाना बना। इस प्रोग्राम को तंजीमों ने, शख्सियात ने मिलकर मुरक्कब किया है और ये सीरीज है ना, इस सीरीज में ये जंक्शन है हम दिल नहीं और जंक्शन का मतलब होता है ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी और नहीं और हम सब के खुशकिस्मती है कि मेजबानी का गुलानिया अमीर शरीयत बिहार मीसा और झारखंड से ये तशरीफ लाए और अपने तजर्बात, अपने अफकार, अपने ख्याल से इस मुंतजिम और शौक रखने वाले मजलिस से खिताब फरमाएं और अपने सदारती खिताब पर जलसे का इख्तिताम फरमाएं। اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر
झारखंड के सरपरस्त और सदर भाई। उस अमेंडमेंट के आने से पहले हिंदू मुसलमान से ईसाई और सारे लोग
चलिए जगह बना दीजिए भाई। Thank you.